Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का कल निष्कर्ष आ चुका है और वहां पर दो विधानसभा के उपचुनाव सीटों पर चुनाव भी हुआ था, जहां पर दोनों जगह अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है वो जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ आजम खान का माना जाता था, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे स्वार विधानसभा सीट, वहां से भी अपना दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज कर लिया है। लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार बाहुबलियों के गढ़ में कैसा हाल रहा है, अतीक अहमद के इलाके में क्या हाल रहा है, तो मुख्तार के इलाके में कैसा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दरअसल बात करें तो बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को पुलिस कस्टडी में उस वक्त मारा गया जब उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया था। इस हत्या के बाद खूब राजनीति हुई, सपा बसपा और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेरा तो भाजपा ने इसे कुदरत का इंसाफ बता दिया। प्रयागराज में भाजपा के महापौर प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं पार्षद चुनाव की बात करें तो 100 में से 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत हुई है। बसपा AIMIM के दो प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। एक सीट पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल अपना के प्रत्याशी की जीत हुई है। 4 सीटों पर कांग्रेस का खाता भी खुला है। 19 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए हैं, यानी कि अतीक अहमद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। अब बात कर लेते हैं मुख्तार के इलाके में। मुख्तार अंसारी और उनके पूरे परिवार की राजनीति गाजीपुर और मऊ तक जो है लिमिटेड है। गाजीपुर में 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के 3 में से 2 पर भाजपा और 1 पर सपा ने जीत हासिल की है। नगर पालिका परिषद की सदस्य की 27 सीटों पर भाजपा जबकि 12 पर सपा और 35 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बात करें तो 5 में से 2 पर भाजपा और 2 सीट पर सपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीत गया है। नगर पंचायत सदस्य की 13 सीट पर भाजपा, 12 पर सपा की जीत मिली है और 1 सीट पर बसपा को जीत मिली है। यानी कि मुख्तार अंसारी के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कायम है। बाकी इसको लेकर आपकी राय है क्या, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।